नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिनी ब्लॉग में। आई होप सो आप सभी ठीक हैं और आप अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ। चल रहे हैं आज जयपुर और मैं सुबह सुबह निकल चुकी हूँ जयपुर के लिए, और रोड का नज़ारा देखते हुए हम यहाँ पे अब ट्रैफिक में फंस चुके हैं। और ट्रैफिक से निकलते निकलते हमें शाम हो चुकी थी और हमें जयपुर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। और जब हम पहुँचे तो उस टाइम बज रहा था 7 और 7 o'clock, और इस वजह से हमें पता चला कि 5 बजे के बाद वैसे भी कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस जो भी है आप देखने जाना चाहोगे वो चीज़ बंद हो जाता है 5 बजे के बाद। सो आप लोग कभी भी जाए कहीं पे भी तो 5 बजे से पहले ही पहुँचे तो ही आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो बंद हो जाता है और आप विज़िट नहीं कर सकते। बस इसीलिए हमने सिर्फ मार्केट ही मार्केट विज़िट किया है। और हमें एक ऑटो वाले भैया से पता चला कि यहाँ पे अभी देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हवा महल है, वो भी बाहर से। तो हमने सोचा कि हवा महल ही चलते हैं। सो मैं आपको हवा महल के बारे में थोड़ा बताती हूँ। हवा महल जो स्थापित हुआ था 1799 में, और इसको स्थापित किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, इसलिए स्थापित किया गया था क्योंकि अपने जो महारानियां थी या फिर राजकुमारियां थी उनके लिए बनवाया गया था। उनको जो भी है मतलब रोड के नज़ारे, जो रोड से जितने झांकियां जाती थी उनको वो रोड का नज़ारा भी देखना था और महल का आनंद भी लेना था। इसी वजह से रोड के किनारे ही बनाया गया था हवा महल को। और इसमें 1953 खिड़कियां हैं। और इस जो हवा महल है, हवा महल को बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर से। और आपको दिखेगा कि ये जो मतलब हवा महल है ये एक मुकुट की तरह है, जो कृष्ण के मुकुट की तरह बनवाया गया है। और इसको एक मधुमक्खी का छत्ते का आकार भी दिया गया है। और इसमें हमेशा ठंडी हवाएं जाती हैं, इसमें गर्म हवाएं नहीं जाती है। मैंने जितना इसको विज़िट किया है तो पता चला, और मैं बाहर से ही विज़िट कर पाई इसलिए आपको बाहर से ही दिखा पा रही हूँ, मैं अंदर नहीं जा पाई। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।